हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज मॉर्निंग सुबह 10 बजे हो गया, 10 बज रहा। तो आज इस वीडियो में रूटीन का व्लॉग जो है शूट करेंगे, ट्रेवलिंग में इन लोगों को क्या क्या सामान खरीद के हफ्ते में एक बार जो है ये लोग थोड़ा बहुत ऐसा सामान मंगाते जो हफ्ता भर नहीं मंगाते, तो आज वो सामान खरीदने जा रहा हूँ। तो उसके बाद शाम तक, आज पूरा दिन में शाम तक क्या क्या काम आएगा उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को बगैर स्किप करके पूरा वॉच करो तो आप लोगों को सब कुछ मालूम पड़ेगा, ठीक है गाइस। और आप जो मेरे चैनल में नया आके वॉच कर रहा, आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा रब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करो। और गाइस, सवेरे सवेरे जो है नाश्ता तो किया नहीं, अभी निकला हूँ रूम से। अलग कैफे को पहली फुर्सत से वहाँ जाएंगे, चलो आप लोगों को भी ले चलता हूँ वो जगह। हर दिन जो है गाइस, मेरा अगर वीडियो आप लोग जो कोई भी देखे तो है ना, थोड़ा बहुत बातें ऐसी होती कि इम्पोर्टेंट बातें, न्यूज़ की जो बात होती है जो सऊदी अरब में क्या क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में बताते रहता हूँ। कल का अगर वीडियो अगर जाकर नहीं देखे तो कल का एक नंबर ब्लॉग है, जाके ज़रूर वॉच करो, कल ज़बरदस्त ब्लॉग है, ठीक है कल का। और परसों का भी वीडियो अगर नहीं देखा तो जाके क्लिक करके ब्लॉग चेक करो, तो आप लोगों को हर चीज़ मालूम पड़ता। एक दुनिया के सबसे बड़ा बिल्डिंग जो है अभी सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा, तो उस चीज़ के बारे में भी है, तो जाके ज़रूर वॉच करना उस वीडियो को। माहौल ऐसा है, बारिश का माहौल जैसा ठंडा लग रहा। क्यों ठंडी लग रही? इस बार सऊदी अरब में बारिश उतना खास गिरा नहीं तो पिछली बार बहुत बारिश गिरी थी सऊदी अरब में, और कितना नीटनेस रहता सऊदी अरब, माशाल्लाह देखने के लिए भी खूबसूरत भी दिखता और अच्छा भी नज़र आता सामने वाले को भी। सऊदी देखने वाले जो पसंद करते हैं, बहुत लोग जो है आना चाहते हैं, आके इधर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी कंट्री है सऊदी अरब, बहुत खूबसूरत लगता और गैर गलत काम होता नहीं, स्ट्रिक्ट कंट्री है, कुछ भी दिमाग से सोच के जब काम कर रहे हैं तो काम से काम मतलब रखना पड़ता। और फालतू में हमारे इंडिया में जो होती अड़ोस पड़ोस में बातचीत, यहाँ पे बातचीत तक भी नहीं होती अड़ोस पड़ोस में। वो घर रहे तो उसके घर में वो रहेगा, इसके घर में यह रहेगा, ऐसा सिस्टम रहेगा, दोस्ती तक नहीं रहती इन लोगों को। तो हम लोग अभी आ चुके हैं अलग कैफिक के पास में, तो हमारे को जो है जो नज़र आ रहा राइट साइड में ये है अलग कैफिक, तो जाएंगे राइट अभी। पार्किंग भी मिल गई आज, मुश्किल नहीं है, कहाँ पे लगाएंगे, सीधा डोर के पास ही लगा देंगे। अंदर जो है हम लोग आ चुके हैं अभी, तो ये हो गया 13 रियाल 95 हलाला। यहाँ के फेरी है, बर्तन धोने का चीज़ है, ठीक है, तो ऑफर मिलेगा तो इसको एक ले लिए। लक्स का चाहिए था उसको, लक्स का फिलहाल नहीं है, तो ये पूरा देखो अलग है, फिर में बहुत सारा प्रमोशन लग के रहता, तो यानी प्रमोशन बोले तो ये लोग मानते हैं कि ऑफर को प्रमोशन बताते हैं सऊदी अरब में लोग, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अभी दूसरा जो कवर के पैकेट जो होता, तो आप लोगों को वो भी बताता हूँ, इसमें से लेना पड़ेगा, ठीक है, देखेंगे रुको क्या क्या लिया हूँ गैस, आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया देखो एसिड का साइड है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग रहता है सऊदी अरब में, क्रोलेक्स करके, ठीक है, तो हमाम के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, तो वो फ़ोन किया था, काफ़ी फ़ोन करके सर कर रहा था, भाई ये कहाँ है देख, वो कहाँ है देख, लहसुन कहाँ है देख, धनिया कहाँ है देख करके ऐसा दिमाग का था, तो ये नहीं है बाबा, ये नहीं है सब बोल के, उसमें क्या ऑफ़र लगा देख, उसमें क्या ऑफ़र लगा, कौन सा कम देखता, पैसा कम जो रहता वो देखता अपना का फील, तो ज़्यादा महंगा सऊदी लोग है ना आजकल बहुत होशियार हो गए, फजूल में पैसा ना खर्चा करते ना ड्राइवर को एक रियाल देते खाने पीने के लिए। तो हमारे को अभी जाना किधर, प्रेल लेना पड़ेगा, टाइड लो करके बोला, टाइड महंगा है इसीलिए मना कर दिया। तो आप लोगों को बताता हूँ देखो क्या क्या ले आऊँ करके, ये देखो क्या क्या ले आऊँ, एक फाइन कंपनी वाला टिशू, वो भी 300 मीटर ही होना उसको, ये वॉशरूम में यूज़ करते, ये आके और दो चाहिए, ये ऑफ़र में लगा देखो 14 रियाल का लगाइए, ये
ये इसमें 10 रहता, ठीक है, जलोन 10 रहता, 90 बैग रहता इसमें, ये दो कार्टून इसमें आके, एक इसमें 50 रहता एक राउंड में, और 20 बैग रहता एक राउंड में। ये हो गया, ये देखो हैंड वॉश का, ये हैंड वॉश, वॉशरूम जाके आके, या आके क्रोलेक्स, तो ये सब कुछ लिया हूँ। तो इसके बाद जो है अभी जाना पड़ेगा उस साइड भाई, सऊदी से जो कोई भी मेरा वीडियो जो वॉच करता, आले कैफिक कहाँ पर है देख के आप लोग जाके खरीद सकते हैं, जिस किसी को भी शैम्पू चाहिए, ठीक है। लॉरियल का शैम्पू लगा 11 रियाल में, यानी 12 रियाल पकड़ के चलो, एक हलाला कम। ये देखो ये अच्छा है, मैं यूज़ करता हूँ इसको, एक नंबर रहता। तो इसके अलावा बहुत सारा शैम्पू मिल जाता, अल्ट्रा ड्यूएट करके है ना, 23 रियाल, ये भी एक नंबर रहेगा, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये अलग एफिक में चाहिए तो आप लोग, प्रमोशन लगा हुआ है, जिस किसी को भी चाहिए आप लोग जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, डव भी लगा देखो, डव आके 18 रियल लगा। और ये देखो सनसिल्क, सनसिल्क एक नंबर, देखो इतना बड़ा शैम्पू जो है 13-14 रियाल में लगा, यानी 700 मिली का, तो आप लोग ले सकते हैं। ये देखो उससे छोटा 9 रियाल में लगा, तो आप लोग जो कोई भी देखता, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर देखो 11-12 रियाल में, ठीक है, 11.50 12 रियाल का पकड़ो टैक्स पकड़ के, तो अच्छा है, ठीक है। जिस किसी को भी चाहिए जाके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। डव 11 रियाल में लगा, और ये देखो जैतून का, ठीक है, शैम्पू है ये जैतून का, 14 रियाल में, ये यूज़ कर सकते हैं। बादाम वाला है इसमें, और ये वाला है फ्रीज कंट्रोल, बहुत सारे वेरिएंट है। वर्ती का शैम्पू पहले हमारे घर पे जो है यूज़ कर रहे थे इसको, वर्ती का शैम्पू बादाम का, मगर अब यहाँ पे है ये चीज़, ठीक है। तो अभी जाएंगे उस साइड। ये देखो जो है सऊदी लोग खाना खाने का सिस्टम ये रहता है इन लोगों का, ये रहेगा, ये है ना, ऐसा रखते हैं एक ही जगह में बैठ के, चार लोग तीन लोग खाते हैं, ये सिस्टम है इन लोगों का खाने का। ये बर्तन है, ठीक है, बर्तन ये जॉइंट रहता समझो, देखो इस साइड पूरा पैक है, ये जॉइंट है। और ये कुछ भी काजू बादाम रख के, इन लोगों का अलग ही सिस्टम भाई, समझ में आता भी नहीं इंसान को, ठीक है। ये देख लिया, तो सामान जो है ख़रीद लिए, मेरे गाड़ी में रख रहा हूँ, तो इसका बिल हो गया 187.15, मतलब कितना होता इंडिया का, 1 रियाल सऊदी का 22 रुपया होता, ठीक है, तो 162 हुआ। तो इसमें 15% टैक्स लगाया, ठीक है, 15% टैक्स लगा के जो हो जाता 187.24 रियाल 41 हलाला आके टैक्स है, ठीक है, 500 रुपया इंडिया का, 500 के ऊपर जो है टैक्स लग गया ये सामान के लिए, जो अभी सामान जो ख़रीदा। तो इसको अभी चलो जाके देंगे डोर। ये हो गया अलग कैफिक, जाके तो ये देखो यहाँ पे जिम है, जिम के पास में ये है समझो शॉप, ये अलग कैफिक करके। गाड़ी को जो है कहाँ पे रखना, ये गाड़ी एक नंबर है गैस, ये मेरे गाड़ी से खूबसूरत और अच्छी भी लगती है मेरे को। तो गैस हमने जो है अभी सब कुछ सामान जो है खरीद लिए, इसके बाद में जो है अभी इसको लेके जाके पहुंचाना पड़ेगा, इसको दे के आप लोगों को कफिल के घर में चाहिए सीधा। गए सब कुछ सामान तो खरीद लिए, अभी सीधा जाके इसको दे देंगे, दे के आप लोगों को क्या ड्यूटी रहेगा बाकी का, आज पूरा दिन है। ये कोई देखो देख के नहीं, सीधा आ जा रहा, आंखों नहीं देख रहा, पागल आदमी। ये कौन आ गए टैक्सी में जा रहे, क्या लोग ये। हेलो बिपाशा, कोई टैक्सी में आई थी लगता, उल्टा कैमरा लगाया करेंगे, मैं आप लोग भी देख रहे हैं, लो कैमरा मेरे तरफ घुमा के आओ, चलो जाएंगे, फिर मिस कर दिया नहीं तो आप लोग भी देख लेते एक बिपाशा को। 1 घंटा तकरीबन लगा दिया गया, कफिल जो है फोन किया, फोन करने के बाद जब भी उठा समझो, मैं उठ के मुंह की धो के फ्रेश अप होके निकला, अभी कफिल फोन किया था, शायद तू कहीं पर जा गया तो उधर ही चले जाता अगर, मतलब तू 1-1 घंटा लगा देता कोई भी सामान खरीदने भेजे। वो बोला वाह
उधर बहुत भीड़ थी इस वजह से टाइम लग गया। ठीक है रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ करके। तो गाइस अगर इन लोगों को छुट्टी रही तो आज खाओ पियो कंबल ओढ़ो, यानी गर्म सोते रहते और कुछ भी नहीं। और माहौल भी ठंडी है ना इस वजह से। तो हम लोग करीब में है अभी कपिल के घर के पास। हो गए इस कफील का घर के पास का रोड देख लो कैसा हो गया। ये एक आदमी नजर नहीं आ रहा। और दुकान भी है ना आज सब दुकान भी लेट ओपन होता बोले तो वो खुद भी रात सारी जाग के रहते भाई। वो भी सब दुकान इकान बंद करके जो है शॉप जो है बंद करके तो वो लोग भी थोड़ा बहुत घूम घूम के जाके सोते, सवेरे सोते वो लोग मसरी सूरी जो कोई भी इधर काम करता। तो हमारा कफील का गाड़ी कहाँ देंगे पहले बादशाह मामू यहाँ पे गाड़ी इसकी कहीं पर जाके गाड़ी जो है थोड़े बहुत गंदी कर लिया तो गाड़ी साफ कर गया कपिल हमारा। तो चलो आ गए थोड़ा यू टर्न करके मिलता हूँ मैं। ठीक है इसको दे के मिलता हूँ। गाइस बैक टू वीडियो। अभी जो है शाम के 6:40 हो रहा। तो आज कुछ भी ड्यूटी नहीं लगेगा 100% क्योंकि आज छुट्टी है। ठीक है मदरसा भी छुट्टी है इस वजह से। और कफील को 2 दिन पहले ही बता दिया था मैं कि शाम 6 बजे के बाद में मैं काम नहीं करूँगा आज के दिन। क्यों बोले तो बिग बॉस चालू हो जाता है, बिग बॉस फिनाले देखने का है, इस वजह से उसको बोल दिया था मेरे को छुट्टी चाहिए करके। जो कोई भी बिग बॉस का फ़ैन है वही, मैं भी एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिग बॉस सीज़न 17 का। तो मैं पूरा देखने के लिए जो है उसको बोल दिया, मना कर दिया। अभी चालू होने में बस 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट कुछ बाकी है अभी। तो अभी जाके थोड़ा बहुत क्या है चिकन कबाब ले लेंगे, रोटी गिटी ले लेंगे, जो भी खरीदना शाम का बंदोबस्त कर लेंगे। अभी रूम में बनाने का नहीं आज, आज खाली डे, आज पूरा फिनाले देखे थे खाली डे। मुनव्वर किसी भी कीमत में जीतना आज, ठीक है या कौन जीतता देखेंगे। तो मैं तो हमारी कम्युनिटी का जो आदमी है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। जब से बिग बॉस 17 जो कोई भी था आज तक जो कुछ भी मेरा सपोर्ट किया बिग बॉस ये 17 में मुनव्वर को ही किया, क्योंकि एक यूट्यूबर है अपना जैसा आदमी है, छोटा मोटा बंदा से जो है वो यहाँ तक आया है। तो उसकी वजह से जो नाम बना के गई है वो जो आयशा है उसको तो बेइज्जती की कुछ ये ही नहीं है, समझो फर्क ही नहीं पड़ता वो औरत को। क्यों बोले तो उतनी बेइज्जती होने के बावजूद ये फिनाले में आके बैठ के है, उसको कुछ शर्म चीज ना औरत के नाम पे धब्बा है वो इंसान। तो चलो गाइस हम लोग जाएंगे अभी होटल में कुछ सामान खरीद लेंगे भाई। आयशा सब लोगों को नहीं बता रहा हूँ, कोई किसी को अगर बुरा लग गया तो आयशा के बारे में ऐसा बोला करो, माफ़ करना इस चीज़ के लिए। ठीक है तो मैं वो जितना बदनाम करके है ना मुनव्वर इस वजह से उसके ऊपर गुस्सा है और कुछ भी नहीं। ठीक है पूरी मैं खुद नहीं तो पूरी जनता जितनी भी पूरी इंडिया चाहे पूरी दुनिया से देख रहे होंगे उसको पूरे हेट ही करेंगे। ठीक है और कफिल को बता दिया था, क्यों बता दिया ये मचमच नहीं होना करके पहले ही बता दिया था। बाद में किधर जा रहा तो क्या जा रहा नहीं, वही मेरे को आने का नहीं होता तो मैं आएगा नहीं बोल दिया। कहाँ पे जा रहा नहीं कुछ काम है मेरे को इसीलिए मैं नहीं आता बोल दिया। ठीक है खलास करके बोल के उसको मना कर दिया। ठीक है अभी जो है ये होटल पे आ गया, कुछ सामान खरीद लेके फिर रिटर्न जाएंगे। ठीक है खाने पीने का सामान ये चिकन कबाब ले लेंगे, ठीक है चिकन का और रोटी ले लेंगे सीधा चलेंगे उसके बाद। ये रोटी हो गया पार्सल, उसके बाद में 1 रियाल का रोटी है। ठीक है 1 रियाल का रोटी अभी ये जो उठाया गया ये 10 रियाल का चिकन मिलेगा। ठीक है भाई थोड़ा पीस अच्छा लगा था, अच्छा वाला डालो भाई। भाई देखो अपना जो चिकन जो है पार्सल हो रहा ये जो भी दे रहा 10 रियाल का लगता है इसको। ठीक है इंडिया का हो गया, इधर का 1 रियाल 22 होता तो कितने में होता लगा लो। ओ नहीं मत बंद करो खाली कैप दे दो ये होगा। ठीक है देख लो ये हो गया 10 रियाल का। इसके बाद जो है बस इतना ही करने का कुछ नहीं, थोड़ा ग्रेवी दे दो ऐसा पार्सल कर दो। काउंटर में कोई है नहीं, देखो 10 रियाल का चिकन और 1 रियाल का रोटी ले लिया। ठीक है गाइस 6 रियाल का अंडा लेना था, ठीक है अंडा ले लिया 6 रियाल का। इधर सऊदी अरब में 6 रियाल को 8 अंडा दिया जाता। ठीक है तो उसके बाद में पार्ले जी बिस्किट पैकेट लेना था वो ले लिया, गुड्डे बिस्किट पैकेट सब कुछ जो है अभी ले लिया। अभी जाएंगे रूम में, जाके अगर बैठ गया तो डिस्टर्ब नहीं, मोबाइल फ्लाइट मोड, दूसरा मोबाइल जो है जो नंबर ऑफ रहता किसी का जो नहीं लगता उस मोबाइल में या लैपटॉप में ये बिग बॉस चालू करके बैठ जाएंगे। ठीक है आज फिनाले देखना है ज़रूर। चलो मैं मिलता हूँ कार में।
गाइस फास्ट में जो है निकल गया अभी फिलहाल मैं, तो अभी जा रहा हूँ रूम पे। पूरा रोड जाम है उधर बाजू में, इसीलिए गली घुमा लिया। अभी जाने का टाइम नहीं है, फुल ट्रैफिक है, रूम पे गए तक टाइम लगता, इसी वजह से गली में घुमा लेके गली से जा रहा हूँ। ठीक है, देखो कहाँ से जा रहा हूँ। मेन बात क्या है, बिग बॉस देखने के लिए ये सब कुछ काम कर रहा हूँ समझो, तो आज जाना ज़रूरी है भाई, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए मैं आता भी नहीं, साफ मना कर दिया कफिल को, मैं आएगा नहीं भाई, तू कुछ भी कर ले मैं आता नहीं करके। तो फोन किया तो फोन भी नहीं लगता, बोल भी दिया उसको नहीं जाऊंगा अभी मैच। तो एक जरूरी वीडियो है, सऊदी अरब का न्यूज़ का अपडेट दिया गया, जो सऊदी अरब में जो आजाद वीजे के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, बहुत जरूर जाके वॉच करो गाइस, क्योंकि बहुत जरूरी अपडेट है, न्यूज है। ठीक है, वीजे के बारे में कुछ हुकूमत से, यानी हमारे सऊदी अरब की हुकूमत के जरिए बताया गया, ट्विटर में ट्वीट किया गया मिनिस्टर ऑफ द सऊदी अरब में, तो उस चीज के बारे में बता कर रहा हूँ, जाके जरूर वॉच करो वीडियो। ठीक है गाइस, मेरे लिए सपोर्ट करो, जो कोई भी मेरे चैनल में आके वॉच कर रहा, आपके स्क्रीन पर जो आ रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, इंस्टा आईडी अरब ब्लॉग्स ऑफिशियल को जरूर फॉलो करो, फेसबुक पेज अरब ब्लॉग्स को जरूर फॉलो करो गाइस। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अभी मेरी रूम के पार्किंग में। ठीक है गाइस, गाइस आ गया मैं रूम के पास में हूँ, तो आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह। गाइस आज का वीडियो कैसे लगा बताओ, जो सऊदी के घर को क्या क्या सामान लेके आके देना पड़ता, सवेरे बस लेके आके दिया होता ही था, और कुछ काम लगा नहीं, अगर लगा तो भी मैडम को बता दिया था मैं नहीं आऊँगा करके। तो गाइस बाइक डिलीवरी जो सऊदी अरब में बाइक जो चला रहे ना डिलीवरी के काम में जो करे, बहुत सारे उसमें आजाद वीजे में भी है, तो बाइक का रूल्स के लिए भी बताया गया और आजाद वीजे के लिए भी बताया गया। ये वीडियो खत्म होने के बाद जो है जाके जरूर, वो छोटा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया जो गवर्नमेंट से बताया गया जो हुकूमत के जरिए, तो वो जरूर वॉच करना। ठीक है, तो आज का वीडियो करेंगे एंड इधर ही। ठीक है, जो कोई भी चैनल में नया है सब्सक्राइब कर लेना अरब ब्लॉग्स को, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लेटेस्ट नए ब्लॉग में। मस्सलाम, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।